of all, congratulations for the winning of the title, Mr. and Miss Yeokum 2024 SEPA. My question to you is, how the feeling, Miss Yeokum 2024? The feeling was great. और किस तरह से अभी महसूस हो रहे हैं आपको और व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगे अभी इस तरह से आपने बहुत ही संघर्ष के साथ यहाँ पे आपने आज मुकाम पे आके आपने इस तरह से आपने जीता है Thank you. My last question is to the young growing generation के लिए आप especially for the modeling इस तरह को आपको क्या संदेश देना चाहेंगे? और आप क्या कहना चाहेंगे आपका जो टीम मेंबर में से जो लूजिंग हो के निकल गया है तो उसे आप क्या मैसेज करना चाहेंगे? धन्यवाद मैम. मिस्टर Yeokum 2024, आप हाउस द फीलिंग? अच्छा लग रहा है. सबसे पहले हम मतलब मेरा जो दोस्त था ना उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ. और जो मेरा दोस्त मतलब यहाँ तक नहीं पहुँच पाया उन लोगों को भी आप बोलना चाहता है कि दोस्तों ये मतलब एंड नहीं है ना जर्नी स्टार्टिंग में तो तकलीफ होता है, चलते चलते आदत हो जाता है ना. और इसलिए गिव अप नहीं करना है लाइफ में ना. लाइक आवर मेंटर से ना, जैसे कि हमारा मेंटर ने बोला जिसे हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन बीट्स द टैलेंट, लाइक ही सेड ना, एंड आई रेस्पेक्ट दैट. उसी तरह अभी मैं फीलिंग्स को बोलने से तो अच्छा ही लग रहा ना. और आप अपना होल टीम जिस तरह से आपको कस्ट्यूम किया है, जिस तरह से आपको ड्रेसिंग हर चीज़ डिजाइन दिया है, होल टीम को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा होल टीम को तो आप सेंटेंस देने के लिए कम है लेकिन ना, क्योंकि मेरा दीदी है, मेरा फैमिली ने आपको सपोर्ट किया ना इस बार ना, तो इसलिए उसका कारण हम तो वही सोचते हैं कि वो लोगों का प्यार का कारण ही ये सब कामयाब होता है ना. उन्होंने मुझे किस तरह सपोर्ट किया, लेट नाइट मुका पे ना, मुझे कपड़ा पहनाया इस तरह से. दाता भी जरूर है पर क्या करें, सीनियर है दाता ही. तो आपको अभी आगे जाके और कितना आप और आगे जाए कंपटीशन और जारी रहेंगे या आप इसी में आपका सीमित रहेंगे? मैं सोच रहे कि यहाँ तक हम पहुँच गया तो ना आगे तक चलते हैं, जर्नी करते हैं. ओके बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू. दर्शक ये आपसे और भी जानना चाहते हैं, जैसे आप अचीव किया है, विनर हुआ है, तो इस तक पहुंचने का आपका जर्नी किस तरह से हुआ है, तो हमारा व्यूवर्स को भी बताइए. जर्नी जो ऐसे था ना, जर्नी वाज लाइक वेरी टफ काइंड ऑफ टफ ना, क्योंकि आपको सुबह उठना पड़ता है ना. लाइक आवर मेंटर से इफ यू आर डूइंग लाइक दिस ना, डूइंग इन दिस विजन ना, then you have to be like professional. You have to take it in a professional way. Then you have to maintain your diet, body and your schedule. That's what he said. Nah. And like that, तो हम लोग को सुबह जल्दी उठना पड़ता है, यहाँ पे 10 बजे से पहले उठना पड़ता है ना. And if you are late, even 1 minute, you have to 10 push-up करना पड़ता है. धन्यवाद सर. कोई बोलेगा हम लोग का मेंटर का भी बहुत बड़ा हाथ है ना. थैंक यू सो मच सर.